दोस्तों, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इस खुशी में शामिल हुए। अब मैं इस मौके पर सोहन कुमार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक खूबसूरत सा गीत सुनाकर इस महफिल की खुशियों को दुबाला करें। क्या बात है सर, गाइए ना। अबे कहां कांटों में खुशबू तलाश कर रहा है। मैं तो एक दिल जला आदमी हूं, मुझसे या मेरे गीतों से खुशी की उम्मीद मत करना। महफिल का मजा किरकिरा कर दूंगा। कोई परवाह नहीं, कलाकार जब तक दिल जला होता नहीं उसके गीतों में मजा आता नहीं। देखो, मैं कड़वे बोल बोलूंगा तो तुमसे सुना नहीं जाएगा। साहब, आप सुनाइए तो सही, हम सब सह लेंगे। देखिए प्लीज। मैं खैर, जैसे आपकी मर्जी।
के जब से तू घर में जली जला मैं जला दी जली जिंदगी शमा बन के जब से तू घर में जली जला मैं जला दी जली जिंदगी कयामत तलक तू भी यूं ही जले मगर भैया मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली? जी। काहे के लिए? नौकरी करने के लिए। मेरे होते हुए मेरा बच्चा नौकरी करेगा? अरे पिता समझ, तेरा ये भाई मर गया है क्या? नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। भगवान रहती दुनिया तक आपका साया हमारे सरों पर रहे। लेकिन भैया, आपने इस बच्चे को बड़ा किया है तो उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा भी तो होना चाहिए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर चलना सीखना चाहिए। बच्चे बड़े होकर बाप की सेवा करते हैं, क्या आप मुझे ये मौका नहीं देंगे भैया? भैया मुझे जाने दीजिए। अरे भैया, आपने तो बचपन में ही गठरी में जिंदगी का बोझ बांध कर अपने कंधों पर ले लिया था। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। क्या मैं अपने भाई भाभी का बोझ नहीं उठा सकता? जाने दीजिए ना भैया। श्याम और सुहन पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। एक तू बचा है, अब तू भी जाना चाहता है? भैया मैं तो सिर्फ आंखों से दूर जा रहा हूं, दिल से कभी नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे खून की एक एक कतरे पर आपके नाम की, आपके प्यार की मोहर लगी हुई है। भैया ये खोटा सिक्का खड़ा होकर दिखाएगा, जो इज्जत बड़े भाई ने कमाई है वही इज्जत कमा कर दिखाएगा। अब आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए। बहुत कसकर भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना? जहाँ ऐसी हरामखोर काम चोर लड़कियाँ घर में आ जाए वहाँ चूल्हा नहीं जल सकता तो खाना कहाँ से पकेगा? चल जितना आटा पिसा है उसे गूंद के रोटियाँ बना ले। दीदी मुझे बुखार है। अच्छा तो बगल में प्याज रख कर बुखार भी चढ़ा लिया। चल अंदर जाके काम कर, वरना मार मार के हाल के साथ तेरा बुखार भी उतार दूंगी। अरे रे रे, जाने दो ना भाभी, इसको बुखार है, आज तुम ही खाना बना दो ना। मैं बनाऊं? तू इसकी तरफदारी में मुझसे काम करवाएगा? लो, इसमें तरफदारी की क्या बात है, छोटी भाभी को बुखार है। अरे बुखार क्या, कोर हो जाए इसे, मगर तू इसकी इतनी हमदर्दी क्यों करता है? अजी सुनते हो, कहाँ हो तुम? आया। अजी सुनते हो, जैसे बैठा था वैसे ही उठ के आ गया, हाथ तक नहीं धोए। हुकुम क्या करना है? अरे इसको लक्षणी के लक्षण तो देखो, वहाँ थी तो अपने जीजा के भाई के साथ नजरे मिला रही थी, यहाँ आए तो मेरे देवर पे दौरे डाल रही है, इश्क फरमा रही है इससे। भाभी, जबान संभाल कर बात करो,
ये मेरी भाभी नहीं छोटी बहन भी है। क्या तू इस चुड़ैल के लिए मुझे आंखें दिखा रहा है? मुझे? मेरा ये पति आज तक मुझे आंखें नहीं दिखा सका, तू दो कौड़ी की लौंग इसके लिए मुझे?